हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। वेलकम टू अनदर डेली व्लॉग ऑफ डेली ओमैटिक। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है जो इस वीडियो के नीचे लाइक बटन से दबा दीजिए और साथ ही जो इसी वीडियो के नीचे जो सब्सक्राइब बटन भी है ना वो भी दबा दीजिएगा, वरना आप चैनल के सब्सक्राइबर नहीं बनेंगे तो जब कोई नया व्लॉग अपलोड किया जाएगा तो आपको कैसे पता चलेगा ना। सबसे पहले तो मैं आप लोगों से थोड़ी माफ़ी चाहता हूँ, मैं बहुत दिनों बाद व्लॉग लगा रहा हूँ। एक्चुअली मैं बिजी होता हूँ तो मुझे टाइम नहीं मिलता व्लॉग लगाने का या बनाने का, तो मैं वो वैसी वीडियो लगाते हैं जिसमें ज़्यादा व्यूज़ और ज़्यादा लाइक्स वगैरह आते हैं। तो खैर, आज बहुत दिनों बाद दोबारा मैं सोचा मैं एक व्लॉग बना लूँ। जैसे कि मैं अपनी पिछली वीडियो से बता चुका हूँ कि मैं एक नए कॉन्टिनेंट में आया हूँ, अपने घर से दूर हूँ, तो यहाँ पर अपना काम खुद करने पड़ते हैं ना, खाना खुद बनाना, कपड़े खुद धोना, सारे मतलब काम खुद करने में मज़ा बहुत आता है, लेकिन और कोई नुक्स भी नहीं रहता क्योंकि मतलब काम खुद करता है तो उसमें कोई चीज़ छोड़ता नहीं ना कि ख़राब हो जाए। खैर, मैं खुद खाना बनाता हूँ, सारे काम खुद करता हूँ, तो आज भी खाना खुद बनाने का वक्त आया तो मैंने सोचा कि मैं क्विक एंड डर्टी नूडल्स ही क्यों ना बना लूँ, क्योंकि नूडल्स बनाने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता, ज़्यादा मशक्क़त भी नहीं करनी पड़ती ना। और अल्हम्दुलिल्लाह नूडल्स मैंने पहले से ला के घर में रखी हुई थी। वो होता ना, मतलब पहले से प्लान करके रखते हैं कि कल या परसों क्या खाना है या जब भी कुछ खाने तो क्या खाना है, पहले से ला के रखी हुई थी। और जी, मैंने नूडल्स की जो ये जो भी चीज़ है इनको निकाल के स्टॉप उनके जो पैकेट है उसने निकाल के प्लेट में रखा हुआ है। कुछ नूडल्स टोटे टोटे छोटी छोटी हो गई हैं। खैर, जो मेन नूडल्स हैं वो बड़ी हैं और ये मैं पानी के उबलने का इंतजार करें, पानी उबलना शुरू होगा तो मैं दोनों जो नूडल्स की केक है इसके अंदर डालूंगा। चलो देखते हैं कितने लगती है और पानी को उबलने में। वैसे इस वीडियो में नज़र तो नहीं आ रहा होगा लेकिन पानी उबलना शुरू हो गया, तो मैं जो है ना नूडल केक जो है इसके अंदर डाल देता हूँ। ये पहला डाल दिया है, ये दूसरा सही तरह तो नहीं गया क्योंकि बर्तन थोड़ा सा छोटा है। खैर, कुछ नहीं होता, जब मैं इसको चम्मच से मिलाऊंगा तो हो जाएगा। और ये जो बाकी इसके छोटे नूडल्स के हैं इनको भी मैं डाल देता हूँ। वैसे लगता है ना ऐसे स्पर्म सेल्स की तरह छोटे छोटे पीस हैं। खैर, स्पर्म सेल्स तो नहीं है ये, लेकिन लगता है उन्हीं की तरह ही है लगते। अब मैं थोड़ा सा 5-10 मिनट या 2-3 मिनट इसको थोड़ा सा उबलते हुए पानी में चम्मच हिलाता रहूँगा। चम्मच है कांटा है, खैर चीज़ रहेगी है ना, मिलाऊंगा और जब ये नूडल्स अच्छी तरह फैल जाएंगे तो देखते हैं उसके बाद जो करना है वो करते हैं। और जी, ये उस पैकेट्स जो थे ना उनके पैकेट्स नूडल्स के, उनमें से साथ निकलने जो साथ उनकी सीजनिंग होती है वो है, ये एक किस्म की नूडल्स की क्या कहते हैं सीजनिंग, और ये दूसरी जो नूडल का केक है उसकी सीजनिंग के साथ चिली सॉस है। वो वैसे दो डिफरेंट किस्म के नूडल्स मिला के जब बनाते हैं ना और फिर खाते हैं बड़ा मज़ा आता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी दूसरे की घर वाली के साथ बहुत मज़ा आता है, वैसे ही दो मुख्तलिफ किस्म के नूडल्स मिला के खाने में बड़ा मज़ा आता है। और अब आप देख सकते हैं कि जो नूडल्स बन रही हैं उनमें कैसे धुआं ऊपर की तरफ जा रहा है। अब तो ज़ाहिर सी बात है, पानी जब उबलेगा ये उबलने के करीब आएगा तो जो पानी के वाटर वेपर्स हैं वो स्टीम में कन्वर्ट होकर ऊपर ही जाएंगे, नीचे तो नहीं जाना उन्होंने। और अब नूडल्स के अंदर सीजनिंग डालने का टाइम आ गया, तो चलें सीजनिंग डाल देते हैं। अच्छी तरह उसको फैलाते हैं सारी नूडल्स के ऊपर ताकि जो टेस्ट है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, जैसे मैथ में कहते हैं ना इवन और ऑड वाली सरदर्दी वही। नूडल्स में पहली सीजनिंग डाल दी है जो पहली किस्म की नूडल्स की थी, अब दूसरी सीजनिंग इसको भी वही वाली बात करते हैं कि इसको भी अच्छी तरह फैलाते हैं ताकि इवनली टेस्ट जो है वो मज़ेदार लगे, इवनली फैल के अच्छी तरह। अब मैंने नूडल्स बनाते हुए दोनों जो किस्म की सीजनिंग थी वो इसमें डाल दी। सीजनिंग के कलर देख के मैं समझ गया कि बहुत तीखी सीजनिंग है, तो मैंने सोचा कि मैं जो चिली सॉस वो ना डालूँ, आखिर जाहिर सी बात है मुँह सड़ गया तो बोलूँगा कैसे खाने जब कुछ खाना होगा या पीना होगा तो कैसे करूँगा। तकरीबन ये नूडल्स रेडी हैं, अब मैं थोड़ी देर देख दूँ, मैंने डॉट चम्मच ऐसे फेरूँगा उसको अच्छी तरह सिमर होने दूँगा, उसके बाद देखते हैं क्या करना है, खाना ही आना है जी मज़ेदार नूडल्स को। और जी, मैंने अपने खुद के हाथों से ये दो बड़े बड़े कटोरे बना लिए नूडल्स के। वैसे नूडल्स ज़्यादा इसमें ज़्यादा सूप है, लेकिन दो के बराबर ही है ना, इसलिए कहते हैं कि इंसान जो काम खुद करता है उसमें फ़ायदा होता है और ख़ुद काम करने से इंसान सीखता है। अब मैंने नूडल्स अपने खुद बनाई हैं, इनमें बहुत ही मज़ेदार नूडल्स होंगी और उनको नुक्स भी नहीं मिलेगा क्योंकि ज़ाहिर सी बात अपने हाथ से बनाए। इसे कहते हैं कि ये जो होते हैं काम करने को नहीं रखना चाहिए, इनके मुँह लहदा देखने पड़ते हैं, इनके एक्सप्रेशन लहदा देखने पड़ते हैं, इनके नखरे लहदा उठाने पड़ते हैं और इनको पैसे लहदा देने पड़ते हैं। चलिए ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे ज़्यादा मिस मत करना। ओके, टाटा।